सुबह 7 बज रहा है, अभी नींद से उठी हूँ और उठने के बाद नहाई हूँ, उसके बाद विंडो में आ गई थोड़ी सी बाहर का वेदर देखने के लिए। मुझे अच्छा लगता है सुबह का वेदर, एकदम शांत रहते हैं और पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है। बारिश नहीं है, बारिश होता है तो बारिश की आवाज़ भी सुनाई देती है, उसके साथ पंछी का भी बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। उसके बाद मैं किचन आ जाती हूँ, किचन में मेरा लाइट ऑफ होता है तो एकदम अंधेरा रहते, कुछ दिखाई नहीं देते। हल्का सा गुनगुना सा गर्म पानी लेके बैठ जाऊंगी, धीरे धीरे पानी पीऊँगी और उसके बाद मैं रूटीन मेरा जो डेली का होता है तो वो शुरू कर दूंगी एक एक करके, फिर मैं चली जाऊंगी भगवान जी को सेवा करने के लिए। रूम क्लीन हो गया था, उसके बाद मैं ब्रश करने लगी और बिग बास्केट का सामान आया। रात को मैंने ऑर्डर किया था कुछ सामान और मुझे 7 बजे से 9 बजे के अंदर आने का टाइम दिया था। 7:20 हो रहा है और सामान आ गया तो मैं नीचे रखने के लिए बोले नीचे रख दिया। अब मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, पहले मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद मैं सब सामान ठीक जगह पर पैकिंग करके रख दूँगी, तब तक मैं किचन पर रख देती हूँ। नमस्ते, सुप्रभात। अभी सुबह 9 बज रहा है और सुबह का घर का जो डेली रूटीन का मेरा काम होता है सब कंप्लीट हो गया। भगवान जी को अभी जस्ट सेवा करके उठी हूँ और घर अभी पूरा बिखरा हुआ है तो इसको अभी ठीक ठाक कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आ जाऊँगी किचन में चाय नाश्ता करने के लिए और उसके बाद जाऊँगी मैं बाहर। बाहर आज बहुत काम है, बारिश तो आज बिल्कुल ही नहीं हो रहा है लेकिन सुबह इतना बिजली कड़क रहा था, ऐसा लग रहा था अभी तो बारिश शुरू होने वाला है मुंबई में, लेकिन नहीं, धूप निकला अभी हल्का सा और बादल भी छाया हुआ है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिए पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सब ठीक ठाक कर लेती हूँ, कचरे का डब्बा भी कचरे का पैकेट भी बाहर रख देती हूँ और उसके बाद चाय पीने आ जाती हूँ। चलिए, चाय बनाने के लिए जा ही रही थी किचन और तभी ये पंछी लोग बहुत ज़्यादा शोर करते, तो मैं सोचा देखूँ ज़रा थोड़ी सी मैं वीडियो कर सकती हूँ क्या नहीं, लेकिन जैसे मुझे देखते हैं लोग वैसे ही भाग जाते हैं, तो इसलिए मैं फिर वापस आ गई किचन और मैं ये डब्बे में रखती हूँ पूरा सुबह का नाश्ता। इसमें बहुत कुछ होता है, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट, जो भी टाइम पास का जो खाना होता है, स्नैक्स वगैरह होता है। तो मैं आज देख रही हूँ चाय के साथ क्या ले सकती हूँ, मैं ले लिया है चाय के साथ जो मुझे आज खाने हैं, तो मैंने लिया है सूखा बेल और उसमें लिया है चनाचूर और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंग दाना होता है और सिंग दाना मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं उसको चुन चुन के निकालती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा है ये। और ये चनाचूर होता है बंगाली वाला, तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ये सिंग दाना रहता है।
नाश्ता मेरा रेडी टेबल पे रखा हुआ है, तो मैं जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ और बाहर मुझे आज बहुत काम है। आज मेरे नाश्ते में है एक गिलास चाय, एक पैकेट बिस्किट और ये सूखा भेल और मिक्सर चनाचूर। तो सुबह का मेरा ये आज नाश्ता है। तो मैं रेडी हो गई बाहर निकलने के लिए, मेरे घर के आजू बाजू में ही जाने वाली हूँ, एक पेपर वाला काम है तो उधर भी जाऊंगी और उसके बाद आते आते मैं मेरे बिल्डिंग में भी घूम के आऊंगी। चलिए किचन का लाइट ऑफ कर देती हूँ। आ गई मैं जिस ऑफिस में आने वाली थी, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं चल चल के आई हूँ। चल चल के आने में 5 मिनट भी नहीं लगा मुझे, हाथ में मैं छतरी लेके आई। और ये ऑफिस पहले भी मैं आ चुकी हूँ, पिछले काफ़ी दिनों पहले मेरे एक वीडियो में मैंने दिखाया था कुछ काम के लिए जो आई थी। मैं दोबारा फिर से आई और इधर का सिक्योरिटी गार्ड है इधर। आज बहुत ज़्यादा भीड़ था ऑफिस में, काफ़ी लोग था तो मैं थोड़ी सी बाहर निकल के आई एक एटीएम में। इसके बाद मैं जाऊंगी, मेरा नंबर भी लगा के आई हूँ तो बैठना पड़ेगा, थोड़े टाइम चेक करना पड़ेगा मेरा जो भी है काम। उसके बाद मैं वापस घर जाने के लिए वापस आ गई बाहर। तो अब मैं जा रही हूँ घर जिधर मैं रहती हूँ उस घर में, लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगी अपना बिल्डिंग जिधर मेरा घर है। तो मैं मेरे फ्रेंड से मिलने जाऊँगी, जो फैमिली फ्रेंड है उनके घर जाने वाली हो और बहुत बातें करने वाली हूँ, बहुत टाइम बैठूँगी। छतरी इतना ज़ोर से बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन मैं छतरी ओपन इसीलिए किया है कि हल्का हल्का सा बारिश हो रहा है। और अभी ये जो मैं गेट दिखा रही हूँ ये है एक छोटा सा, छोटे बच्चे लोगों के लिए एक गार्डन है और बड़े लोगों के लिए भी मशीन लगा हुआ है जो एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम कर सकते हो। और अब मैं आ गई मेरे बिल्डिंग के गेट में और मैं एंट्री कर रही हूँ। इधर मैनेजर बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, इन लोग से थोड़ी सी बात किया है कि मेंटेनेंस पेपर के लिए पूछा है, तो हो गया बात। और अब मैं जाऊँगी अंदर।